तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जेंडर क्या है, ये मेल है या फीमेल है। सो हमारे वर्ल्ड में ऐसे भी स्पीसीज है जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे दीज आर बायसेक्सुअल। और ऐसे भी स्पीसीज है जहाँ पर सिर्फ एक या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में। सो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको कहेंगे दैट इज डायोशियस। तो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, दैट इज हैंकिंग, जिन्होंने स्टडी किया ऑन द स्क्वैश बग, और उन्होंने पता किया कि यहाँ पर जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है मेल में, हियर देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स दे आर बीन प्रोड्यूस। एक तो एक्स टाइप का स्पर्म है और दूसरा वाई टाइप का स्पर्म है। सो जब भी जो मेल है, वैन एवर देर इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस टेकिंग प्लेस, यहाँ पर 50% स्पर्म जो है वो एक्स वाले हैं और 50% स्पर्म जो है वो वाई वाले हैं। सो आगे जब जो एक्स स्पर्म है एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है, और जब ये वाई टाइप का स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है सो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेल। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हैंकिंग ने उस चीज को नाम दिया दैट इज अ बॉडी, जिनको उन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि जो एक्स नाम की जो बॉडी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो फिर बाद में पता चला बाय द हेल्प ऑफ अदर साइंटिस्ट, और ये जो एक्स नाम की जो बॉडी थी एक्चुअल में ये क्रोमोजोम था, दैट इज एक्स क्रोमोजोम। सो अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग। सो अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, देयर आर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम इन द मेल एंड एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो ये जो ह्यूमन है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर 46, या तो आप बुला सकते हैं 23 पेयर्स। ओके, सो यहाँ पर 22 पेयर्स तो होते हैं ऑटोसोम्स, और बाकी का जो बचा 1 पेयर दोज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल जो होते हैं वी कॉल देम दे आर होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्योंकि इनके पास दो कॉपी प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम की। और अगर मेल की बात करें दे आर हेटरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, क्यों? क्योंकि इनके पास दो अलग अलग टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज एक्स एंड वाई। सो यहाँ पर अगर जीनोटाइप की बात करें, फीमेल में 44 ऑटोसोम्स हैं एंड एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, और अगर मेल के बारे में बात करें उनके पास 44 ऑटोसोम्स है और यहाँ पर एक्स वाई टाइप का सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो अगर हम बात करें जो भी ह्यूमन सेल है, ह्यूमन का जो सेल है इट इज डिप्लॉयड। ओके, डिप्लॉयड हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23 23। ओके, एक 23 आया होता है मेल से और बाकी का 23 आया होता है फीमेल से, दैट इज फ्रॉम मदर वन एंड फ्रॉम फादर वन। सो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर 46। सो जब भी मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन देखने मिलेगा, हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, जहां पर यू कैन सी देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज प्रेजेंट। इसलिए हम इनको कहेंगे दे आर हैप्लॉइड, सो वी कॉल देम दीज आर द हैप्लॉइड गैमेट्स। सो हियर यू कैन सी कि जो भी मेल प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 44 तो ऑटोसोम्स हैं एंड एक्स वाई दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, सो टोटल होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर दो तरीके के स्पर्म्स जो है वो फॉर्म होंगे, एक तो एक्स टाइप के और दूसरा वाई टाइप के। और अगर हम फीमेल के बारे में बात करें, दे आर ऑल्सो हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर ओजेनेसिस द्वारा एग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के एग नहीं दिखाएंगे, ऑल द एग्स आर गोइंग टू बी ऑफ ओनली वन टाइप। सो आगे जाके जब वाई टाइप ऑफ स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होगा, सो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मेल। और अगर यहाँ पर एक्स नाम का अगर स्पर्म इट इज गोइंग टू गेट फर्टिलाइज विद द एग, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पर अब डिपेंड करता है ऑन द स्पर्म कि कौन सा स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज हो रहा है। तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर 50% जो स्पर्म है एक्स टाइप के होंगे और 50% वाई टाइप के। सो हियर
जो फीमेल हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एग बाय द हेल्प ऑफ ओजेनेसिस, जहाँ पर ये एक ही तरीके के एग को जो है प्रोड्यूस करेंगे. सो जो एग्स होंगे उनके पास 22 ऑटोसोम्स होंगे और दे विल हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स. इसीलिए जो मेल हैं दो टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वी कैन से दे आर हेटरोगैमेटिक. और जो फीमेल है ये एक ही तरीके का एग प्रोड्यूस करते हैं, वी कॉल देम होमोगैमेटिक. सो हियर यू कैन सी जब भी एक्स नाम का स्पर्म्स जो है एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू बी फीमेल. और जब वाई नाम का स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा, फर्दर इट इज गोइंग टू डिवेलप इन टू द मेल चाइल्ड. सो डिपेंड करता है ऑन द फादर्स दैट हियर which type of sperm which is produced by them is going to fertilize with the egg. तो यहाँ पर जो father है उनका बहुत ही main important role है. So यहाँ पर society में because of the poor mentality and lack of knowledge, women are the one who is blamed for giving birth to the child. So अब हम बात करते हैं sex determination in the birds. यहाँ पर जो birds हैं, यहाँ पर केस थोड़ा अलग है. यहाँ पर यू कैन सी देयर इज जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज सीन. जेड डब्ल्यू जो है सेक्स क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन फीमेल और जेड जेड टाइप का जो सेक्स क्रोमोसोम है दे आर प्रेजेंट इन द फादर, दैट इज इन द मेल. तो जो फीमेल है हम कहेंगे दीज आर हेटरोगैमेटिक, क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्स प्रोड्यूस करेंगे दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज जेड एंड डब्ल्यू टाइप. और अगर हम फादर के बारे में बात करें, हियर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्पर्म विच आर ऑफ द सेम टाइप. इसलिए हम जो मेल है फादर है हम उसको बोलेंगे दे आर होमोगैमेटिक, और जो फीमेल मदर है दे आर गोइंग टू बी हेटरोगैमेटिक. सो जो मेल है वी हैव सेड दे आर होमोगैमेटिक बिकॉज ये एक ही तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेड जेड टाइप का सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ओके, और हर एक स्पर्म के पास जेड टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा. सो अब यहाँ पर अब डिपेंड करता है ऑन द फीमेल मदर दैट विच टाइप्स ऑफ एग इज गोइंग टू गेट फर्टिलाइज विद द स्पर्म. तो उसी तरीके से जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे. अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, दैट इज बोनेलिया विरिडिस के बारे में. यहाँ पर केस थोड़ा अलग है, जहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि जो जेंडर होगा वो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो यहाँ पर हियर द बोनेलिया जो है इट इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द लार्वा. और ये जो लार्वा है अब डिपेंड करता है जहाँ सेटल होगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर जो बोनेलिया ने लार्वा प्रोड्यूस किया है आगे जाके मेल में डिवेलप हो जाएगा या फीमेल में. ओके, सो अगर देखा जाए बोनेलिया जो वर्म है करीबन उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है. ओके, और हियर यू कैन सी द प्रोबोसिस, हियर दिस इज अ लॉन्ग प्रोबोसिस विच इज सीन इन दिस ऑर्गेनिज्म. ओके, तो काफ़ी लेंदी प्रोबोसिस देखने मिलता है एंड इट द प्रोबोसिस ऑफ अबाउट 1 meter लेंथ, और टोटल बॉडी बोनेलिया की होती है अबाउट 10 centimeter. ओके, सो यहाँ पर होता क्या है, ये जो बोनेलिया है इट इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द लार्वा. ओके, यहाँ पर जब भी ये सपोज दिस इज अ लार्वा प्रोड्यूस किया है इस बोनेलिया ने, अगर ये लार्वा सी बेड पर सेटल डाउन हो जाता है कहीं यहीं सी फ्लोर पे सी बेड पे सेटल डाउन हो जाता है, देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ फीमेल. लेकिन अगर ये लार्वा डाउन सेटल नहीं होता, सी फ्लोर पे सेटल नहीं होता एंड इट एंटर्स इनटू द प्रोबोसिस एंड इट कम्स इनटू इनसाइड द बॉडी, then it converts into a male. Okay, so यहाँ पर environmental factors determine करेगा अगर larva sea bed पर settle down हो गया या sea floor पर तो वो female में convert हो जाएगा, और अगर ये जो larva it enters inside the proboscis and it comes inside the body of the female, तो यहाँ पर now it is going to convert into the that is male. तो यहाँ पर होता क्या है, जो बोनेलिया है उसका जो लार्वा जब सी फ्लोर पे सेटल डाउन हो जाएगा तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये लार्वा प्रोबोसिस के अंदर एंटर करेगा यूटरस की तरफ माइग्रेट करेगा तो वो जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो मेल है एक तरीके का पैरासाइट की तरह रहता है इनसाइड द यूटरस. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द लार्वा विच हैज एंटर्ड इनसाइड द यूटरस ऑफ दिस मदर. ओके, सो यहाँ पर जैसे ही यूटरस में एंटर करेगा सो ये एज अ पैरासाइट रहेगा और आसानी से जो है जो भी एग्स प्रोड्यूस होंगे उनको ये फर्टिलाइज करेगा और न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे.
अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बीज। तो यहाँ पर जो हनी बीज हैं, हियर यू कैन सी द चार्ट, ये द क्वीन, ओके, शी इज द वन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एग, शी इज द फीमेल एंड हियर द मेल इज द ड्रोन। अगर हम क्रोमोसोम नंबर के बारे में बात करें, ये जो क्वीन फीमेल होती हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर 32, दे आर हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए हमने बोला है दे आर डिप्लॉयड। और जो मेल होते हैं दे आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 16, इनके पास सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए हमने सिर्फ नाम दिया है एन। तो जब क्वीन शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एग बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, मियोसिस ये एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन है जहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, इसलिए हमने ले लिया है दैट दीज एग दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, सो वी हैव रिटन एन। मतलब कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहां पर 16 होंगे, यहां पर भी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 16 होंगे, राइट। सो आगे यहां पर हियर नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेल। मेल जो होते हैं ये भी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये मियोसिस द्वारा स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करते, ये माइटोसिस द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस ये एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन है जहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो एज इट इज रहेगा, सो यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 16 ही होगा, हैप्लॉयड ही होगा, ओके। अब हम बात करते हैं एग के बारे में जो प्रोड्यूस हुए हैं, जहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो होते हैं दैट इज 16 ओनली, ओके। सो यहां पर जब एक एग आगे जाके फर्टिलाइज नहीं होता तो एंड इट इज गोइंग टू डिवेलप इनटू अ मेल, सो यहाँ पर जो मेल प्रोड्यूस हुआ है इट हैज बीन प्रोड्यूस विदाउट अ फर्टिलाइजेशन, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। और आगे अगर ये जो एग है फर्टिलाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्पर्म विच इज प्रोड्यूस बाय द ड्रोन, तो वो यहाँ पर यूनियन द्वारा अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो डबल हो जाएंगे, इट मीन्स दे आर गोइंग टू हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 16 + 16 इट इज गोइंग टू बिकम 32। सो यहाँ पर जो फीमेल है वो तो होती ही, उनके पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो शी इज गोइंग टू बिकम फीमेल। सो इस तरीके से जो है जो एग बिना फर्टिलाइजेशन के आगे जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी के एग जो फर्टिलाइजेशन करेंगे वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर फीमेल में भी क्वीन एंड द वर्कर्स दे आर टू डिफरेंट, लेकिन वो फीमेल ही होती हैं। आगे इन्हीं यहाँ पर जायगोट आगे जाके लार्वा में कन्वर्ट होंगी, ओके। सो यहाँ पर उन लार्वास को जिनको रॉयल जेली नहीं दिया जाता वो आगे जाके वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जिन लार्वास को खाने के लिए रॉयल जेली दिया जाता है दे कन्वर्ट इनटू द क्वीन। रॉयल जेली एक तरीके के खाने की चीज़ है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय द वर्कर्स बीज बाय द हाइपोफेरिंक्स रीजन, सो जिन्हें रॉयल जेली दिया जाता है वो आगे जाके क्वीन में डिवेलप हो जाएंगी, और जिन्हें नहीं दिया जाता वो वर्कर में डिवेलप हो जाएंगी। इस तरीके ये होती तो दोनों फीमेल ही हैं, लेकिन द वर्कर इज अनेबल टू प्रोड्यूस द एग, और जो क्वीन होती है शी इज द ओनली वन हु इज एबल टू प्रोड्यूस द एग। सो इस तरीके से जो है आप देखने मिलेंगे जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, जो फीमेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती है, इसलिए वी कॉल देम हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज फाउंड इन देम, ओके। सो जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही देख के आप बता सकते हो ये मेल है या फीमेल है, फीमेल तो होती है डिप्लॉयड और जो मेल होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड, ओके। सो यहाँ पर फीमेल में जो है म्यू द्वारा ही एग का फॉर्मेशन होगा, और जो मेल है माइटोसिस द्वारा ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। सो जब एग और स्पर्म यूनाइट करेंगे जायगोट डेवलप होगा, जो जायगोट आगे जाके फीमेल में कन्वर्ट होगा, और अगर जो एग है अनफर्टिलाइज रह गया तो वो आगे जाके मेल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। सो जो फीमेल है आगे जाके डिफरेंट हो जाएंगी वर्कर में अगर उन्हें रॉयल जेली नहीं दिया खाने के लिए, सो और अगर इन्हीं आगे जाके डिप्लॉयड लार्वा को रॉयल जेली अगर देते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू द क्वीन जो कि फर्टाइल होगी। सो ये जो डिप्लॉयड लार्वी है बाकी जो जिन्हें रॉयल जेली नहीं दिया जाता खाने के लिए दे आर गिवन द हनी विच फर्दर दे बिकम एंड कन्वर्ट इनटू अ वर्कर्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो थैंक यू।